हाय गाइस, सो गाइस यहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी से होप अपने अर्धशतक से बस थोड़े ही दूर रह गए और यहां पर गाइस युजवेंद्र चहल की गेंद में से होप को पवेलियन भी वापस जाना पड़ा। जी हां गाइस, आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे T20 सीरीज के फोर्थ मुकाबले में यहां पर गाइस वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी से होप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और यहां पर गाइस मैच में ऐसा लग रहा था कि से होप आज अपना सेंचुरी जरूर से पूरा करेंगे, लेकिन गाइस यहां पर युजवेंद्र चहल की चतुराई के सामने से होप की भी नहीं चली और फिर गाइस यहां पर से होप अपने 45वें रन में अटके पड़े थे और यहां से होप को लग रहा था कि वो छक्का लगा कर अपने अर्धशतक को पूरा कर लेगा, लेकिन गाइस यहां पर जैसे ही से होप ने अपना बल्ला चलाया तो यहां पर गाइस बाउंड्री लाइन के पास में खड़े अक्षर पटेल के हाथ में जाकर के गेंद गिर जाती है, जिसके बाद गाइस यहां पर से होप को भी 45वें रन में ही अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और इसके बाद गाइस यहां पर से होप के आउट हो जाने के बाद वेस्टइंडीज की टीम काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई। इसके बाद वेस्टइंडीज के बैक टू बैक विकेट गिरने लगे। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस फोर्थ मुकाबले को भी अपने नाम कर पाएगा या कि नहीं, आप लोग की इस पर क्या राय है? आप लोग आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।